कोई दिखा रहा है। गुड मॉर्निंग चंडीगढ़, गुड मॉर्निंग नहीं 12 बज गए, गुड आफ्टरनून चंडीगढ़। तो मैं हूँ, इस चंडीगढ़ नहीं है, शायद मोहाली है। हाँ, ये मैं एरो सिटी मोहाली में इस वक्त हूँ, प्रॉपर चंडीगढ़ नहीं है। सो मैं चंडीगढ़ आ गई थी दो तीन दिन पहले, और दो तीन दिन से कुछ नहीं किया, घूम रहे, कोई काम नहीं कर रही। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने आप फिर से स्टार्ट करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले शानी? नहीं, आप भी कहाँ जाने वाले? वहुली। कसौली, नॉट वसौली। ओके, अच्छा, ये कसौली को वसूली बोलता है। कसौली यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन है, यहाँ से वो अनार के डिस्टेंस में। मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, बट मैंने सोचा कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे सारे, और मैं ड्रोन शॉट्स भी ले लूंगी, मेरे को ड्रोन शॉट्स चाहिए पहाड़ों वाले। तो अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं, मैं और मुझे चेंज करना है, मैं ऐसे नहीं जा रही हूँ। मैं तो जस्ट अभी अपने कपड़े ट्राई करके देख रही थी, और थोड़ा सा मेकअप और मैं नेल पेंट भी रहती है। तब तक मैं आप लोगों को, मैं यहाँ पे अभी कुछ दिन रहने वाली हूँ, मतलब काफ़ी दिन रहने वाली हूँ, तो चलो तब तक आप लोगों को मैं छोटा सा होम टूर कराती हूँ, जब तक ये सब लोग रेडी हो रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट तैयार हूँ। सोचा मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, ताकि इनमें से कोई भी मेरे ऊपर चिल्लाए ना, बिकॉज ये बिग बॉस का घर बना हुआ है, यहाँ हर कोई दूसरे पे चिल्लाता रहा, तुम लेट कर रहे हो। तो मैं कल्प्रिट नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा पहले चेंज करती हूँ, फिर आप लोग हाउस टूर कराते, ताकि ये सब लोग मुझे कुछ बोलेंगे नहीं। तो शानू, हाय, मैं रेडी हो चुका हूँ कसौली जाने के लिए। कसौली या वसौली? यो ओपी, चलो स्टार्ट से शुरू करवा से वो दिखाती हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम, आ जाओ। धन्यवाद आपका। सो गाइस, ये है लिविंग एरिया और ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम यहाँ का बहुत ज्यादा कलरफुल, बहुत ही चेयरफुल, बहुत ही स्प्रिंग वाले वाइब्स है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का। बस ऐसे देख के मन लग जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज आपका शानू को देख के ही मन लगा, क्योंकि वो ही बहुत कलरफुल हो रखा है। हम दोबारा मिल रहे हैं। वेरी गुड शानू, मुझे ना यही स्वैग मेरा मिसिंग था मेरे ब्लॉग्स में, जो मुझे लग रहा है मुझे आज मिल गया। सो गाइस, दिस इज लिविंग एरिया, हम लोग यहीं पे बैठ के पार्टी करते हैं और गेम्स खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। अभी ये थोड़ा साफ है, पर वही शाम तक बहुत गंदा हो जाएगा, तो मैंने सोचा है पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है हम लोगों का डाइनिंग एरिया, जो शानू ने बहुत ही गंदा कर दिया है। भूख तो लगती है। वैसे शानू ने ही सबने गंदा किया है, अभी जस्ट हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है, तो इसलिए थोड़ा मेस्ड अप हो रखा है, अदरवाइज इतना गंदा करते रहिए, वरना राहुल को OCD हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। होम भी बता दी, मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहती, बट ये ग्लास बहुत अच्छे लगे, बहुत ही सुंदर बड़े से वाइन ग्लास, ड्रिंक ग्लासेस है। और ये हमारा फ्रिज है। मैं यार अराउंड 15-20 डेज तो रहने वाली, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को पूरा पता हो मैं कहाँ पे रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसा स्पेस है। चॉकलेट, लस्सी, ये देखो मैं कितनी सारी योगर्ट्स लेकर आई। आओ पहले रूम्स में चलते हैं। हाय, हेलो भाई। ये है मेरा और मासी का रूम। वैसे मैंने इंट्रो स्टार्ट यहीं से किया था, बट हम फिर से आते हैं। आओ। हेलो, अरे बोलना भी हो आए भाई। हेलो, ये हमारा बेड है और ये मेरा लगेज, मेरा बैग, कॉर्नर टेबल से क्यूट क्यूट सी, जहाँ पर मासी अपना सामान और मैं अपना सामान रखती हूँ। ये रहा मेरा ड्रोन, जो जिसकी टांगें नहीं फोल्ड होती है, जिसकी वजह से मुझे इसे ऐसे रखना पड़ता है हमेशा। मैं तो रेडी हूँ। बहुत ही अच्छा स्पेस है ये, बहुत ही अच्छी डील मुझे मिल गई रहने के लिए चंडीगढ़ में, ये वॉशरूम। आओ मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ बॉयज के रूम में, एपी, शानू, खुशू और ये लोगों का जो रूम है।
As expected, गंदा तो होना ही था, बॉयज का कमरा साफ कैसे मिलेगा? ये देखो कितना गंद मचा रखा है लोगों ने। ये अभी आप गए हो, मैं ही आती भी नहीं। हाँ, आप गए हो है ना? आप गए हो हमारी बारी में, इंसानी नाम चीज ही नहीं है। मतलब ऐसे झूठ 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 वो कर जाते हैं। इधर है बालकनी, वो मैंने अपने रूम की बालकनी तो दिखाई नहीं, पर सेम ही ऐसी डोर निकल यहाँ है। हम आपके रूम में भी जा सकते हैं। हाँ, कनेक्टिंग बालकनी है। ये मेरा रूम है और ये बॉयज का रूम है। चलो अंदर और दिखाती हूँ। एक बालकनी उस साइड भी है और किचन वाली दिखाती हूँ। इनको पूरे दिन भूख लगती है, अभी फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए खा रही हूँ चाय। हाय हैप्पी। हेलो हेलो भाई, क्या ये ब्लॉग है? ये शादी वाले कैमरामैन नहीं होते, दिखा दिखा के। क्या ये क्या क्या ये ब्लॉग है? यो वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। ना कह दिए ना क्या ये ब्लॉग है, तो कहना नहीं नहीं डीएसएलआर लेके मैं तो स्नैप बना रहा हूं। स्नैप बना रहा हूं। अच्छा लगा आपके बात करके। अच्छा ही लगेगा, हमेशा अच्छा लगेगा। एक को दे देना थोड़ी सी चाय। ये काउच गाइस इतना कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा। काश बहुत शोर मचाते हैं लोग, मुझे लिटरली शूट नहीं करने देते। ये बहुत ही कंफर्टेबल काउच है, काश मैं इसको उठा के घर ले जाती। ऐसे मिस्टर बीन नहीं लेके जाता कार की छत पे रख के, मेरा कुछ वैसा सा करने का मन है इसके साथ। चाय पीनी है ना? हाँ, yes, मुझे भी। चाय ना, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरा प्लान बदल गया। मैं भी फटाफट जो मेरी चीजें रह गई है पहन लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ और हम लोग निकलते हैं। बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका है और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस ये है यहाँ का नीचे का छोटा सा गार्डन एरिया, मैंने सोचा मैं ये भी दिखाती हूँ आप लोगों को। सी कितने पीसफुल वाइब्स है यहाँ के। छोटा सा गार्डन यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मेरे फोटो शूट्स हो जाएंगे फॉर श्योर। तो चलो हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, पहले चलते हैं। वसोली। हमें यहाँ से आगे जाना है पैदल 3 किलोमीटर तक पैदल, वहाँ पे फिर हमें मिलेगा मंकी पॉइंट व्यू, वहाँ से पूरा चंडीगढ़ दिखता है। और वहाँ पे मैं ड्रोन शॉट्स भी ट्राई करूँगी। हम चंडीगढ़ से आए हैं। क्या बोल आए रे, क्या बोल आए रे मैडम? मंकी पॉइंट पे जाएगी। हम चंडीगढ़ से आए हैं चंडीगढ़ देखने। हाँ, बाद में हम बहुत मिस कर रहे हैं। देख एक है शानू और एक है भानू, इन दोनों का कोई मेल नहीं है, ठीक है? ना शानू जैसा कोई है ना भानू जैसा कोई है। ये रोड जाती है कसोली मार्केट। ये ये कसौली का मेन मार्केट एरिया है। यहाँ पर इस साइड है गिल्बर्ट हाउस, गार्डन हाउस, सनसेट पॉइंट, कसौली क्लब। इधर है मार्केट, पोस्ट ऑफिस वगैरह। कसौली बहुत ही छोटा सा स्टेशन है, बहुत ही छोटा सा मार्केट। आप लोगों ने देख ही लिया, लिमिटेड सी। मुझे तो अभी तक 5 या 6 शॉप्स दिखी हैं। लाइक मार्केट है बट वो टुकड़ों में है कि 5-6 शॉप्स यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा बहुत ही छोटा और क्यूट सा स्टेशन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सॉरी मैं आई हूँ 3-4 बार। हाँ, गाइस
यहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी मंकी पॉइंट के लिए और हम टैक्सी का ही वेट कर रहे हैं। सुनो ये ना वो चर्च जो तुम्हें जाना है। ओ चलो 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 चर्च चलो बहुत बार कसोली आई हूँ बट अभी इस चर्च में नहीं हूँ। मेरा बहुत टाइम से मन था इस चर्च में आने का। फाइनली और आपको पता भी नहीं है लड़की क्रिश्चियन है। कुछ नहीं ले जा सकते मंकी पॉइंट पे, सब कुछ यहाँ दे दो। सो गाइस मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगी। पहला तो ये कि ये मंकी नहीं, ये मंकी पॉइंट है और यहाँ पे श्री संजीवनी हनुमान मंदिर है। मुझे चीजें नहीं पता थी, आ जाके पता चली। और मुझे लगा था यहाँ पे लाइक बहुत हाइट पे जाके वो पॉइंट है तो वहाँ से बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स ले पाऊंगी। तो आप यहाँ पे मेरा ड्रोन तो छोड़ो, इन लोगों ने मेरा फ़ोन भी रख लिया, फ़ोन तो छोड़ो मेरी वॉच भी रख ली, तो वहाँ के कोई शॉट्स नहीं है। अब हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं सनसेट पॉइंट। आई डोंट नो वहाँ पे भी ये सेम सीन होने वाला है, यानी अगर नहीं हुआ तो मैं वहाँ के शॉट्स ज़रूर डालूँगी। ये हमारी ट्रैकिंग का जो 30 किलोमीटर वाली होने वाली है। अच्छा। जो ये हमारे लीडर हैं, ये अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। लीडर अभी ना लीडर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, बट पर लीडर लीडर सिलेक्शन बहुत जल्द रिकवरी होगी। सवाल उठ रहे हैं बहुत जल्द लीडर होना चाहिए या नहीं, क्या ये लीडर जायज है या नहीं है लीडर की सिलेक्शन। ये है सनसेट पॉइंट ऑफ कसोली। मुझे लगा था कुछ पहाड़ों वाला एरिया होगा बट नहीं, यहाँ पे इन लोगों ने एक पॉइंट बनाया हुआ है और काफी रश है यहाँ पे, तो मैं ज्यादा नहीं रुकूंगी, मैं आपको उसे दिखा देती हूँ। क्या लिखा है पी? आई और ए। नाम लेना भाई। कहाँ पे लिखा है? ओ गंदी बात है अभी एपी, तुम पेड़ गंदे कर रहे हो। मिलने नहीं पिक्चर्स, झगड़ा हो गया नहीं। इन्फ्लुएंसर्स फाइट, कैट फाइट। नहीं कैट फाइट तो लड़कियों की होती है। क्या सो हम लोग अब सनसेट पॉइंट से वापस जा रहे हैं। सनसेट पॉइंट बहुत छोटी सी एक पॉइंट है यहाँ पे और अभी प्रॉपर सनसेट हुआ नहीं तो हमें प्रॉपर व्यू नहीं मिला। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रखी है बट जो भी था बहुत अच्छा था। बहुत थक गए हम लोग, कोई अच्छा सा कैफे ढूंढ के खाएंगे और फिर सीधा जाएंगे घर। हम लोग का पहले प्लान था शिमला जाने का बट सिंस हम लोग को यहीं पर इतना लेट हो गया तो आगे तो नहीं जाएंगे। तो चलो होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक कैब करके आना होता है बिकॉज आपकी कार्स नहीं आती है। सो ये है हमारी कैब। हेलो बोलेरो। खाना भी वही चल रहा है मैडम, मैं बोलेरो में। आके देख ले हम खाना खा के। चलो ठीक है, बहुत भूख लग रही है यार। चलो भूखे मर रहे हैं। किसी को मिल गया बिल्कुल उनके काम की चीज। दिखाओ देख
आप तो चलो हम सब क्लिक कर लो भाई क्लिक करना आ जाओ तुम अच्छा किधर से ले लो ये लो फोन ले रहा चार क्विक हाँ टारगेट लेफ्ट छोड़ के चल दे क्या मेरी अगली थैंक यू बेटा थैंक यू चल हेलो मम्मी आप ब्लॉग शूट कर रहे हो ना ब्लॉग शूट मत करो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट फाइनली हमें अदरक वाली चाय मिलेगी हम खरीद रहे हैं कसौली से अदरक कितने का भैया कहाँ है इधर क्या है कहाँ पे बोल रहा हूँ